चैनल कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, कहीं बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिलता हो जाता है जीवन में, कोई कोई घड़ी ऐसी आके खड़ी हो जाती है जहाँ पर हमको सोचने के लिए समय नहीं मिलता, तब बुधवार के दिन अगर शंकर पर एक लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो जिन लड़का जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा, जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, उन बच्चों के भी विवाह हो जाते हैं हमारे। बहुत ध्यान से सुनना, ये प्रसंग आया नहीं पहले, आज अगर कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर ये प्रसंग निकला है तो उसको ध्यान से सुनिए। हो नहीं सकता कि शंकर कृपा ना करे अगर आपका विश्वास प्रबल है। जिस समय कहीं अटक रहे हो, बहुत बहुत हम तो यहाँ तक कहेंगे कि कोई बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आकर खड़ी हो गई है, बेलपत्री और उस बेलपत्री में एक चंदन की बिंदी और एक अक्षत का दाना मात्र रखकर भी अगर शिवालय पर चढ़ा दी जाती है, एक बेलपत्री, एक चंदन का बिंदी और चंदन से निवेदन करेंगे आज के जमाने में तुम लोग सब घिसा घिसाया बड़ा बढ़ाया डब्बी का सामान लेने पर, वो नहीं, चंदन की मुठिया रखो, थोड़ा सा भी घिसो, जरा सा भी घिसो, उसकी एक बिंदी और एक चावल का दाना जब हम भगवान देवत के महादेव को समर्पित करते हैं, अपनी कामना करके समर्पित करते हैं, तो निश्चित है कि आपने व्रत करा ना करा, आपने अध्यापन करा ना करा, आपने अनुष्ठान करा ना करा, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान उसका फल शीघ्र प्रदान कर देते, पहले आपने कुछ करा ना करा उसका फल नहीं मिलता। सही व्यवहार ना हो, लक्ष्मी कमा नहीं रहो, बहुत मेहनत कर रहा है, कल एक रुपया नहीं मिल रहा, अगर हमारी दुकान नहीं चलती है, धंधा पानी नहीं चलता, व्यापार नहीं चलता, तो उसके लिए बटकेश्वर महादेव का पूजन किया जाता है। और पांच हाथों में तीन हाथी जो अपने रखे उसमें कोई भी एक पत्ता ले जाकर व्यापार वाले स्थान पर उसको रख दीजिए, अपने आप उसमें सुख का अनुभव होता है, आप अपने आप उसमें सुख की अनुभूति होती है। उसके लिए कहा और उसके लिए हमारे यहाँ मंडन किया गया, बड़के पत्ते के ऊपर पीतल का पत्ता रखना पड़ता और पीतल के पत्ते के ऊपर फिर खादर का पत्ता, इन तीनों को रखकर बालू का शिवलिंग बनाकर केसर में चंदन घोलकर बटकेश्वर महादेव का अभिषेक करते हैं पानी में और शिव को चढ़ाकर उसी केसर चंदन का जल और पांच हाथों में तीन हाथी जो अपने रखे उसमें कोई भी एक पत्ता ले जाकर व्यापार वाले स्थान पर उसको रख दीजिए, उसी चंदन में, उसी केसर चंदन में मिलाओ वो पत्ता चित्र, आपको केवल आपने आज रखा, आपको कल से अंदर मनु जाकर व्यापार कैसा होता है, अपने आप उसमें सुख का अनुभव होता है, आप अपने आप उसमें सुख की अनुभूति होती है, फल की प्राप्ति होती है। कई लोग कहते महाराज शिवलिंग का घर में रख सकते, बिल्कुल रख सकते, कहते हैं जितना घर में रोग बीमारी दुख तकलीफ जो आती है सबसे पहले अगर वो प्रमाणिकता में प्रवेश करती है तो दो जगह पर उस रोग बीमारी को जिला जाता है, एक घर के दरवाजे पर तुलसी के, दूसरा घर में जो शिवलिंग होता है उसके।